डियर स्टूडेंट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित हम लोग थ्योरी ऑफ मशीन के अंदर गियर और गियर ट्रेन के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं काफ़ी सारे नोमरिकल सॉल्व कर चुके हैं उसी सीक्वेंस में ये हमारा नोमरिकल है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व देखिए आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं एन गियर ट्रेन नॉन एज फर्ग्यूसन पैराडॉक्स गियर ट्रेन देखिए यहाँ पे गियर ए जो है फिक्स है सी और डी हैज द सेम पिच सर्कल डायमीटर एस इज द साफ्ट ये जो है आपका साफ्ट है बी इज द आर्म दैट इज गोइंग टू रोटेट द प्लान पी एंड द प्लान पी इज मेस्ड विद द सी एंड डी इवेंट ए तो यहाँ पे जो है देखिए दिया हुआ है गियर ए इज फिक्सड टू द फ्रेम एंड इज दियर फोर स्टेशनरी ठीक है द आर्म बी एंड गेयर सी एंड डी आर फ्री टू रोटेट ऑन एस ये सॉफ्ट है आपका ये जो है आपका सॉफ्ट है ये है इसके ऊपर पूरा ठीक है द प्लानेट गेयर हैजेंटी टीथ ये ट्वेंटी टीथ है द पीच सर्कल डायमीटर ऑफ ऑल आर सेम सो द द्लानेट गियर पी मेसेज विथ ऑल ऑफ देम डिटरमाइन द रिवोल्यूशन ऑफ गियर सी एंड डी सी और डी का रिवोल्यूशन निकालना है एंड फॉर वन रिवोल्यूशन ऑफ द आर्म बी बी का जो है आपका रिवोल्यूशन दिया है कितना वन ठीक है और बाद सभी का, uh, का ये दिया हुआ है तो सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा जो यहाँ पे है uh, वो स्टेप क्या होता है जो है अपना टू फाइंड आउट दू फाइंड आउट दिटी सॉरी टेबुलर चूंकि यहाँ पे दो मेथड हमने आपको बताए हैं गियर में तो दो मेथड में सबसे पहला जो मेथड था हमारा वो था एलिक और दूसरा था टेबुलर मेथड तो हमने आपको बताया था कि टेबुलर मेथड से ही हम सारे क्वेश्चन ये सॉल्व करेंगे तो टेबुलर मेथड में सबसे पहले क्या है आपका टेबल ऑफ मोशन बनाने के लिए तो देखिए टेबल ऑफ मोशन बनाते कैसे हैं ऑलरेडी यदि आप हमारे जो है रेगुलर व्यूअर हैं और नहीं है तो बन जाइए रेगुलर व्यूअर बिंग ए मैकेनिकल स्टूडेंट ये मैकेनिकल पंडित आपका अपना चैनल है और मेरे लाइफ का भी यही जो है मकसद है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर पाऊँ बच्चों को इट इज़ माई च्वाइस इट इज़ माई पैसन सो आई एम मेकिंग सम ब्यूटिफुल वीडियो फॉर यू ठीक है तो यहाँ पे आइए इस चैनल को आप रेगुलर देखिए हर सब्जेक्ट को आप देखिए हर सब्जेक्ट का वीडियो मैं कोशिश करता हूँ सीक्वेंस में डालने का और थ्योरी और मशीन के भी जो है इन सीक्वेंस आपको वीडियो मिल जाएंगे यदि आपको कहीं डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना मेल आईडी के साथ कमेंट लिखिए तो आई कैन रिप्लाई टू यू तो यहां पे आइए ये नंबर ऑफ टीथ दिया हुआ है अब टेबल ऑफ मोशन में सबसे पहला क्या हमारा काम रहता है कंडीशन ऑफ मोशन लिखना कंडीशन ऑफ मोशन लिखिए उसके बाद यहाँ पे रिवोल्यूशन रिवोल्यूशन ऑफ एलिमेंट रिवोल्यूशन ऑफ एलिमेंट में सबसे पहला जो एलिमेंट है आपका वो कौन सा है आर्म है क्या ये होता ही है ये आप हमेशा हमेशा के लिए ध्यान रखिए आर्म बी उसके बाद आर्म बी अब किससे अटैच है आर्म ए से ठीक है ना गेयर ए गेयर ए उसके बाद गेयर सी उसके बाद गेयर डी गियर डी लास्ट में हो गया कंडीशन ऑफ मोशन पहला पहला ही हम कंडीशन क्या लेते हैं कि आर्म फिक्स आर्म फिक्स और गेयर ए ना आर्म बी जो है आपका फिक्स हो गया तो गेयर ए बचा तो गेयर ए रोटेट्स ठीक है प्लस वन रिवोल्यूशन प्लस वन रिवोल्यूशन दैट मीन्स कि ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो ये क्या हो गया आपका जीरो ये वन रिवोल्यूशन तो ए यदि वन रिवोल्यूशन है तो सी क्या हो जाएगा टी ए बाई टी सी ठीक है और गियर डी क्या हो जाएगा सेम डायरेक्शन में सब जा रहा है तो ये सी के साथ डी अटैच है तो ये क्या हो जाएगा टी ए बाई टी सी और टी सी जो है टी सी अपन टी डी ये टी सी टी सी कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा आपका टी ए अपन टी डी ठीक है अब यहाँ पे सेकेंड कंडीशन क्या होता है आपका आर्म तो फिक्स ही रहेगा आर्म फिक्स्ड और गियर ए गियर ए रिवॉल्व विद रिवॉल्व प्लस एक्स रिवॉल्यूशन ये क्या हो जाएगा जीरो एक्स और ये जो है एक्स इंटू टी ए अपन टी सी और ये एक्स इंटू टी ए अपन टी डी देखिए यहाँ पे टी ए टी डी ये सब मालूम है जो नहीं मालूम रहेगा उसको निकालना पड़ता है हम कई सारे नमरिकल में देख चुके हैं थर्ड कंडीशन हमारा क्या होता है कि एड प्लस वाई रिवोल्यूशन रिवोल्यूशन टू ऑल एलिमेंट सभी एलिमेंट में आप इसको एड कर देते हैं ये प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई, प्लस वाई और प्लस वाई और लास्ट में आप क्या निकाल लेते हैं टोटल मोशन टोटल मोशन दैट मीन्स की टोटल मोशन क्या हो गया वाई और यहां क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई और यहां वाई प्लस एक्स टी ए अपन टी सी और टी ए अपॉन टी डी ये आपका क्या हो गया गियर डी का अब इसमें दिया हुआ था फॉर वन रिवोल्यूशन ऑफ आर्म जो है कौन सा है आपका आर्म बी तो ये आर्म बी का दिया हुआ है सिंस आर्म बी जो है आर्म बी मेक्स वन रिवोल्यूशन दैटमीन्स की इक्वल टू क्या हो गया वन गियर ए दिया हुआ है क्वेश्चन में कि गियर ए जो है गियर ए इज फिक्स्ड गियर ए इज फिक्स्ड गियर ए इज फिक्स्ड यही गियर ए है आपका एक्स प्लस वाई टू क्या हो जाएगा जीरो तो x इक्वल टू क्या हो गया माइनस वाई दैट मीनस की x इक्वल टू क्या हो गया माइनस वन ठीक है अब इसमें आपको c और d का रिवोल्यूशन जानना है ठीक है ना तो ये जो है जो x का रिवोल्यूशन हुआ a का ठीक है ना अब यही एन सी और एन डी ये निकालेंगे आप ये क्या हो जाएगा एन सी तो एन सी इक्वल टू तो क्या हो जाएगा यहाँ पे वाई प्लस एक्स टी ए अपान? टी सी ठीक है न और एन डी आप निकालेंगे क्या वाई प्लस एक्स टी ए अपन टी डी देखिए यहाँ पे वाई का वैल्यू निकला हुआ है वन और एक्स का माइनस वन और टी ए का वैल्यू मालूम है आपको क्या है टी ए हंड्रेड और टी सी हंड्रेड वन तो ये हंड्रेड डिवाइडेड बाई हंड्रेड वन तो कितना हो जाएगा ये वन बाई हंड्रेड वन आ रहा है और एन डी आप निकालेंगे उसी तरह से तो ये वन माइनस वन और टी ए कितना है हंड्रेड और डी कितना है नाइन्टी नाइन तो ये हंड्रेड बाई नाइन्टी नाइन ठीक है तो ये आपका कितना आ जाएगा माइनस वन अपॉन नाइन्टी नाइन ठीक है तो यहाँ पे आपका वेलोसिटी क्या निकल करके आया ये एन सी निकल करके आ गया वन अपन हंड्रेड वन प्लस में है तो एंटी क्लॉक होगा मोशन और ये एन डी आपका निकल करके आ गया माइनस वन अपन नाइंटी नाइन ठीक है तो फ्रॉम एवब जो ये आपने पूरा कैलकुलेशन किया इस क्वेश्चन uh, का तो पूरे कैलकुलेशन से ये समझ में आया कि फॉर वन रिवोल्यूशन ऑफ द आर्म बी बी द गेयर सी रोटेट्स थ्रो रोटेट्स थ्रो वन अपन हंड्रेड वन रिवोल्यूशन इन द सेम डायरेक्शन एंड गेयर डी रोटेट्स माइनस वन अपन नाइनटी नाइन रिवोल्यूशन दैट मीनस वन अपन नाइनटी नाइन रिवोल्यूशन इन दी अपोजिट डायरेक्शन ये क्या है क्लॉक वाइज डायरेक्शन है ठीक है तो दैट इज रिलेवेंट ऑफ आर्म बी जो है आर्म बी रोटेट्स जब एक रिवोल्यूशन कर रहा है वन रिवोल्यूशन देन एन सी क्या हो गया वन अपन हंड्रेड वन रोटेट कर रहा है और एन डी क्या कर रहा है माइनस वन अपन नाइनटी नाइन ठीक है तो दैट मीन्स कि इतना जो है यहाँ पे ये प्लानट और गेयर में इतना का डिफरेंस रहता है जब आप नोमरिकल सॉल्व करते हैं ना तो एक्चुअल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी अटैच्ड होता है इसके साथ क्योंकि तो इंजीनियरिंग में कोई भी हाइपोथेटिकल नूमेरिकल अपन नहीं बनाते हैं फुल्ली प्रैक्टिकल होता है तो हकीकत में भी यही होता है कि प्लानट जब एक रिवोल्यूशन करता है तो ये बहुत वन अपन हंड्रेड वन आप देख पा रहे हैं ठीक है ना तो बहुत कम छोटा सा एकदम मोशन जो है इसमें आपको देखने मिलता है नहीं के बराबर ठीक है तो विश यू ऑल दी बेस्ट आई होप आपने ये समझा होगा और चूँकि आपका अपना चैनल है तो इसके सारे वीडियोज़ को आप देखिए अपना कॉन्सेप्ट बढ़ाइए और साथ में स्वस्थ रहिए क्योंकि एक हमारा YouTube पे और चैनल है लाइफ मैनेजमेंट सेक्रेट ऑफ सक्सेस कैरियर मैनेजमेंट ये सब पे मैं डिस्कस करता हूँ डॉक्टर जितेंद्र पांडे आप लिखेंगे YouTube पे तो आप जो है मुझे पहुँच पाएंगे और वहाँ पे अपन लाइफ मैनेजमेंट कैरियर मैनेजमेंट सेक्रेट ऑफ सक्सेस और भी कई सारे वीडियोज़ के ऊपर मैं वहाँ डिस्कस करता हूँ तो उस चैनल को भी जो है ज़रूर आप जो है देखिए और जीवन का आनंद उठाइए स्वस्थ रहिए मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए धन्यवाद